अकबर कबीरा, ये सफ़र हज है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी जहाज़ में तशरीफ़ फरमा है। बम्बई से ये निकला, अभी कुछ ही फासले पे पहुंचा कि जो जहाज़ का कप्तान था उसने कहा कि सख्त तूफान और आंधी है, अभी ख़तरा है कि ऐसा ना हो कि हमारा जहाज़ डूब जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, सारे काफले वाले सब के रोंगटे खड़े हो गए, बेताब हो गए, सुकून दिल ख़त्म हो गया। सब इस इंतज़ार में थे शायद अभी जहाज़ डूबे, अभी हम गर्क हो जाएं, अभी बेड़ा तबाह हो जाए। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कहते हैं कि मुझे भी अपने अहलो याल की फ़िक्र लाहक हुई। कहते हैं मैं जब अहमद रज़ा के पास आया ना, मैं क्या देखता हूँ कि चेहरे पर बड़ा इत्मीनान है, वो इत्मीनान कलबी के साथ तशरीफ़ फरमा है। कहते हैं मैंने जब ये बात सुनाई ना तो अहमद रज़ा के लब से जुमला निकला कि अब्बा हुजूर घबराने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल बखैर आफियत मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में आवाज बुलंद हुई कि फिर तूफान आ गया और अब की बार जहाज के अंदर पानी दाखिल हो चुका, अब बचना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लोगों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और दिगर वज़ाइफ़ पढ़ना शुरू कर दिए। जहाज के कप्तान ने ऐलान किए वज़ाइफ़ वगैरह शुरू कर दो। लोग तौबा और इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हैं, बेताब हैं और दिल बेकरार है। कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह की सदा लगा रहा है, कोई दुआएं कर रहा है। इमाम अहले सुन्नत के वालिद फरमाते हैं कि अहमद रज़ा को मैं फिर देखता हूँ, मुझे अहले याल की फिक्र तो थी, चेहरे पर बिल्कुल ज़रा बराबर भी परेशानी के कोई आसार नहीं थे। मैंने जब बताया ना कि अब तो मुश्किलें, फरमाने लगे अब्बा हुजूर कुछ नहीं होने लगा। मैंने पूछा अहमद रज़ा इतने इत्मीनान से कैसे कह सकते हो? फरमाने लगे अहमद रज़ा, ऐ वालिद मोहतरम, मैंने हुजूर की वो हदीस पढ़ी है कि जिसने सफर की, सफर पे जाने से पहले ये दुआ पढ़ ली, सफर की, सफर के दौरान और वापसी तक अल्लाह ताला की वो हिफ्ज़ो अमान में रहेगा, फरिश्ते उसके लिए सलामती और आफियत की दुआएं करते हैं। ऐ वालिद, मुझे यकीन है रसूल पाक की हदीस पाक पे। अल्लाह अकबर कबीरा। वालिद मोहतरम देख रहे थे और हैरान थे कि हदीस तो मैंने भी पढ़ी है लेकिन अहमद रज़ा पे कितना इत्मीनान और कितना सुकून मैं देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं अहमद रज़ा ने जब ये बात सुनी ना, आंखें बंद कर और एक शेर बार बार पढ़ने लगे। अहमद रज़ा फरमाते हैं कि आने दो यार्ड बो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अहमद रज़ा के वालिद मोहतरम फरमाते हैं बड़ा इत्मीनान था अहमद। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये शोर बरपा था, अब ऐसा ऐसा सुकून होता गया, रहमत खुदावंदी बरसने लगी, अल्लाह की हिमायत और नुसरत हमारे साथ होने लगी, हमारा सफ़र कम होते हुए हम किनारे के करीब पहुंच गए। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब लोगों ने आंखों से इमाम अहले सुन्नत की इस करामत को मुलाहिज़ा फरमाया। अहमद रज़ा पे कैसा यकीन था, हदीस सब वसूख था, कैसा इत्मीनान था। काश ऐसा इत्मीनान हमको भी नसीब हो जाए। अब इसी वक्त